दोस्तों अत्याधुनिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का चल रहे निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और इसी साल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास 21 एकड़ जमीन पर 36,000 वर्ग मीटर में निर्मित होने से लोगों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के साथ साथ शानदार वैज्ञानिक विकास का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। राज्य भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा कि साइंस सिटी की सभी गैलरियों, लर्निंग सुइट्स, ऑडिटोरियम, ओरिएंटेशन हॉल और अन्य सहायक ढांचों में सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सज्जा का काम जोरों पर चल रहा है और अगले कुछ महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। G+1 भवन में 4 बड़ी दीर्घाएं हैं जिनके नाम है बेसिक साइंस, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, सस्टेनेबल प्लैनेट और बॉडी एंड माइंड। इमारत में एक छोटी गैलरी होगी जिसका नाम BA साइंटिस्ट होगा। ये इंट्रोडक्टरी दुर्गा होगी और विज्ञान सिटी की लुक देगी। इसके अलावा 4 लर्निंग सुइट होंगे, मेकर स्पेस, बिग डेटा सेंटर, किचन और जिम, जहां दर्शक चीजों को देखेंगे और सीखेंगे। दीर्घाएं और सीखने के सुइट में विभिन्न विज्ञान प्रदर्शन और मॉडल होंगे। 243 प्रदर्शनी की अवधारणा डिजाइन एजेंसी से तैयार कराई गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अप्रूव किया गया है और अब हम चयनित प्रदर्शनी के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इन प्रदर्शनों में 2D, 3D और इंटरैक्टिव टच स्क्रीन प्रयोग और होलोग्राम, यहाँ तक कि स्थिर मॉडल भी शामिल है। प्रदर्शनी तैयार करने वाले टीम ने कोलकाता, मॉन्ट्रियल, कनाडा, टोरंटो और बोस्टन सहित 5 अलग अलग विज्ञान शहरों का अध्यापन किया गया है। प्रदर्शनी को गैलरी और सीखने के लिए सूट के अनुसार 57 सब्जेक्ट में डिवाइस किया गया है, जैसे रोबोटिक्स नंबर, बुनियादी विज्ञान साइंस और वेलोसिटी। इसी तरह सस्टेनेबल प्लैनेट में विजिटर्स को इकोसिस्टम, अर्थ साइकिल, बायोडायवर्सिटी, वाटर साइकिल, मॉनसून, साइक्लोन, फ्लडिंग और लैंडस्लाइड जैसे सब थीम से जुड़े मॉडल्स दिखाए जाएंगे। अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान में खगोलीय उपकरण और सौर प्रणाली, जबकि शरीर और मन में मानव शरीर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, लर्निंग दिखेंगे। स्वीट्स में ज्यादातर वर्किंग मॉडल्स होंगे। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राम बाबू ने बताया कि ग्लेयर्स और लर्निंग सूट के अलावा आधुनिक विज्ञान शहर में पैकअप हाउस, बहुउद्देशीय हॉल, सभागार, स्मारिका। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राम बाबू ने कहा कि ग्लेयर्स और लर्निंग सूट के अलावा आधुनिक विज्ञान शहर में बैकअप हाउस, बहुउद्देशीय हॉल, सभागार, स्मारिका दुकानें, 4D गैलरी, प्रदर्शनी हॉल होगा। 200 लोगों के बैठने के लिए G+4 छात्रावास का भी निर्माण किया गया है। सभी सुविधाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। लैंडस्केपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। प्रदर्शनी तैयार होने के बाद इसे दर्शकों के लिए जल्द ही खोल दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।